नमस्कार, न्यूज़ प्रभार में आप सभी का स्वागत है। कुछ महीने पहले हुआ था विवाद, इलाज के क्रम में हुई मौत। खबर हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हरियास गांव में दिसंबर महीने में सरकारी नाले के निर्माण को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए थे, जिसमें दोनों पक्षों से दर्जनों लोग घायल हुए। इसमें कुछ लोगों का इलाज सिवान सदर अस्पताल में हुआ था और कुछ लोगों को पटना रेफर कर दिया गया था। एक पक्ष सुरेंद्र यादव ने आवेदन देकर रमई यादव समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया था। वहीं दूसरे पक्ष की लाची देवी ने दी आवेदन में कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया था। घायलों में से एक आरोपी रमई चौधरी की गुरुवार को मृत्यु हो गई। परिजनों के अनुसार मारपीट में गंभीर रूप से घायल रमई चौधरी का विभिन्न हॉस्पिटल में इलाज कराया गया, किंतु आखिरकार गुरुवार को उनकी मृत्यु हो गई। सूचना पर हुसैनगंज पुलिस जानकारी हेतु मृतक के दरवाजे पर पहुंची थी। 25 दिसंबर से लेकर आज तक हम लोग दावा चला रहा था। किसके लिए झगड़ा हुआ था? सरकारी नाला के लिए झगड़ा हुआ था और पूरा गांव वाले के लिए वो नाला जा रहा था। हम लोग के लिए भी सुविधा अच्छा था, लेकिन वो लोग जाने नहीं दे रहा था, बल्कि उन लोग का जमीन जो है भावली है, इसके लिए भी नहीं जाने देता रहा। बाद में वो लोग मना किया, हम लोग मना किया, उसके बाद हम लोग बोल रहा था जाएगा, वो लोग बोल रहा था नहीं जाएगा। इसके लिए हम लोग को मारा, अकेले पकड़ के वो लोग सब लोग लाठी भाला बाछा लेके आया और सर पे मारा पिताजी को। उस दिन से लेके आज तक हम दावा चला रहे थे। आप उनके क्या लगते हैं? हम उनका माजिल बेटा हैं। ठीक। और उस दिन से लेके आज तक दावा चला रहा था, आज उनका डेट हुआ है। जिसे झगड़ा हुआ है वो क्या लगते हैं? वो मोहल्ले वाले हैं। नाम पलाद यादव, पलाद यादव नाम है, मोहल्ले वाले हैं।